गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी शाइनी आरजू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल। अमेज़न पे चल रहा है मेगा फैशन डेज, जहाँ आपको मिलेगा अमेजिंग से ऑफर्स, अमेजिंग से डिस्काउंट्स फ्रॉम 26th to 28th of November। सो अगर आप इस सेल का हिस्सा बनना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक सिंगल लिंक भी प्रोवाइड किया है, जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेकमेंड करने वाली हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, मैंने पर्सनली कौन सा प्रोडक्ट एंजॉय किया है इस्तेमाल करना फ्रॉम अमेज़न। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ताकि आप सबको हेल्प हो सेल से कौन से शॉपिंग करें एंड कौन सा प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फ्रॉम द ब्रांड एम कफेन, और ये है एम कफेन नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। इसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े थे, मैंने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखा था एंड देन आई वॉज सो मच अट्रैक्ट टू यूज दिस प्रोडक्ट एंड ट्रस्ट मी, इसे इस्तेमाल करके ना मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट्स मिला है। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली ये स्किन को ब्राइटन कर देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर में जो हम कॉफी पाउडर से अपने बॉडी को स्क्रब करते हैं, उससे इसका जो डिफरेंस है वो है कि घर में जब कॉफी पाउडर से और शुगर से हम स्क्रब करते हैं ना, उसके बाद बॉडी इतना ड्राई हो जाता है, बट आफ्टर यूजिंग दिस ये ना बॉडी में एक ऑयल काइंड ऑफ थिंग छोड़ता है, ऑयलीनेस भी नहीं है बट हाईली मॉइस्चराइज्ड एंड सॉफ्ट एंड प्लम्प फील होता है। दैट्स द मेन डिफरेंस, और उसी वजह से मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट्स अमेजिंग, अगर आप कॉफ़ी लवर है देन डेफिनेटली आपको इसका फ्रेग्रेंस पसंद आने वाला है। ये स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। सो अगर आप कोई बॉडी स्क्रब ट्राई करना चाहते हैं और अभी इस मेगा फैशन डे सेल में भी अगर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है देन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके साथ आपको ये वाला वुडन एक स्पून भी मिलेगा, सो दैट्स वेरी क्यूट। और इस वुडन स्पून से ना आप इस प्रोडक्ट को यू नो निकाल सकते हैं, तो हाइजीन इज टोटली मेंटेन। थोड़ा सा रफ है, सो दिस कैन ओनली बी यूज्ड ऑन योर बॉडी, फेस पर आप इस्तेमाल ना करें, बट दिस इज वर्थ बाइंग। मैंने बहुत दिनों पहले अपने एक वीडियो में शेयर किया था अबाउट लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम, और इसे इस्तेमाल करके इतना अच्छा लगा देन आई रीपर्चेस दिस एंटायर रेंज। तो मैंने एक और इसका नो हेयर कट क्रीम ये वाला वेरिएंट ऑर्डर किया है फ्रॉम अमेज़न, क्योंकि मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था एंड ये जो क्रीम है ना ये हेविली मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सीरम मैं इस क्रीम को इस्तेमाल करती हूँ एज अ सीरम, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं एंड फ्रीजीनेस भी दूर होता है। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम अगर आप महीनों तक इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने ये वाला बॉटल ख़त्म किया है, तो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी ये रिड्यूस करता है। एंड मैंने इस बार इस एंटायर रेंज को ट्राई किया है, जहाँ पर एक शैम्पू भी है और एक कंडीशनर भी है। सो दिस इज़ द शैम्पू एंड दिस इज़ द कंडीशनर, ये रिस्टोरिंग शैम्पू है और ये डीटैंगलिंग कंडीशनर है, बोथ आर अमेजिंग। सो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर अलग से एक रिव्यू वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि मैंने नो हेयर कट क्रीम के ऊपर रिव्यू वीडियो बनाया है, इन दोनों शैम्पू एंड कंडीशनर के ऊपर मेरा पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है कि इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज डू कमेंट, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी एक अलग से वीडियो में। विंटर सीजन इज हियर एंड विंटर सीजन मतलब पिकनिक सीजन, पार्टी सीजन, थैंक्स गिविंग पार्टीज, फिर क्रिसमस पार्टीज, न्यू ईयर पार्टीज, ऊपर से इस सीजन का ड्राइनेस, तो इसीलिए मैंने अमेज़न से ये वाला फेशियल किट इस बार ट्राई किया है। इसे अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इस फेशियल किट को इस्तेमाल करूँगी, ये वन टाइम यूज़ के लिए है बाय द वे, पाउच फॉर्म में है, तो मुझे लगा जब मैं इस फेशियल किट को इस्तेमाल करूँगी तब मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी कि मैं इसे किस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आफ्टर रिजल्ट के क्या है इसके इस्तेमाल के बाद, फेस पर ग्लो आता है कि नहीं, तो सब कुछ मैं ऑनेस्टली एक वीडियो में शेयर करने का सोच रही हूँ, दैट्स व्हाई मैंने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। ये है स्किन क्यूब ब्यूटी बॉक्स एक्टिव फेशियल्स एट होम एंड ये डल टैन पिगमेंटेड स्किन के लिए परफेक्ट रहता है। इसमें 5 स्टेप्स है बट इसके साथ मुझे 3 पाउचेस एक्स्ट्रा फ्री मिले हैं, विच इज़ ग्रेट, आई लव फ्रीबीज। तो इसके साथ मुझे एक सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइज़र, एक सीरम जैसा फ्री मिला है पाउचेस, सो दैट्स अमेजिंग। मैं उनको भी इस्तेमाल करूँगी उस वीडियो में एंड मैं जल्द ही वीडियो शेयर करूँगी, ताकि आप सबको हेल्प हो इस पार्टी सीजन में खुद को पैम्पर करने का।
नेक्स्ट मैंने ये ओजीवा कोलाजन बिल्डर ट्राई किया है। अगर आप मेरे ओजी फैमिली मेंबर हैं देन आपको पता है मैं इस ओजीवा कोलाजन बिल्डर को इस्तेमाल करती हूँ। मैंने रिसेंटली एक वीडियो में 1 ईयर एक्सपीरियंस भी शेयर किया है जहाँ पर मैंने आपके क्वेरीज को सॉल्व किया है। सो अगर आप उस वीडियो को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने अमेजन से इस बार परचेज किया है। अब मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई किया है फॉर दिस विंटर सीजन और स्विस ब्यूटी के जो कंसीलर है उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था एंड आई थॉट अभी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये अमेजिंग डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा था। सो मैंने ये स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर ट्राई किया है एंड मैंने जो शेड ट्राई किया है वो है 02 सैंड सेबल एंड आई थिंक ये शेड परफेक्ट रहेगा इंडियन स्किन टोन के लिए। अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं देन आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये अमेजिंग सा एक हाइलाइटिंग शेड है एंड मुझे इसे इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा लगा। बट हाँ, कंपैरेटिवली जो मेबलिन कंसीलर मैं इस्तेमाल करती हूँ उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा इसका क्वालिटी लो है, इन द सेंस कि ये उतना हाई कवरेज नहीं देता, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी होता है। बट अगर आप इसे बिल्डअप करते हैं या आपके फेस पर उतना ज़्यादा हेवी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मेरे फेस पर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम तो नहीं है और डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं है अभी। अभी मेरा स्किन लगभग ठीक ही बिहेव कर रहा है, कोई पिंपल एंड कोई डार्क स्पॉट नहीं है, दैट्स व्हाई मुझे ये तो काफ़ी अच्छा लगा। बट अगर आपके स्किन में काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट या पिंपल मार्क्स की प्रॉब्लम है और उसे आप हाइड करना चाहते हैं देन आपको मेबलिन वाला कंसीलर या एले गर्ल का कंसीलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लाइट कवरेज का हो जाएगा फिर, बट या इसका कवरेज मीडियम है एंड मुझे तो अच्छा ही लगा। अगर आप कुछ डे टू डे बेसिस पर कुछ अफोर्डेबल से कंसीलर ढूंढ रहे हैं देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ट्राई किया है विच इज़ देयर मेकअप फिक्सर। इसके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना था एंड मेरी सिस्टर ने पर्सनली मुझे रिकमेंड किया है इसे इस्तेमाल करने के लिए। मैं पहले वेट एंड वाइल्ड का इस्तेमाल करती थी जो मैंने ऑलरेडी मेरे एक अमेजन वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ। बट जब मेरी सिस्टर ने मुझे रिकमेंड किया देन आई थॉट लेट मी गिव इट अ शॉट और अगर मुझे पसंद आए देन मैं डेफिनेटली इसे इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वाई नॉट, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो आप लोग देख सकते हैं इसका थोड़ा सा अल्कोहल सा फ्रेग्रेंस आता है इसे इस्तेमाल करने के बाद। जब स्प्रे करते हैं ना तो थोड़ा सा अल्कोहल जैसा स्ट्रॉन्ग एक फ्रेग्रेंस आता है जिसके ऊपर कुछ मिलाया है उन्होंने कुछ खूबसूरत सा फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस देने के लिए। फ्रेग्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बट वर्किंग इसका जो काम है वो ये करता है। वेट एंड वाइल्ड में कुछ फ्रेग्रेंस नहीं था, मुझे वेट एंड वाइल्ड वाला बहुत अच्छा लगता है, जो मैट फिनिश है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसमें आपको थोड़ा सा ड्यूवीनेस मिलेगा, नेचुरल फिनिश, जैसे आप देख सकते हैं मेरे फेस पर थोड़ा सा ड्यूवीनेस है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बट हाँ, इट कंटेन्स एल्कोहल और ये बहुत अफोर्डेबल रेट में अभी अमेजन पर अवेलेबल है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको इस वीडियो से हेल्प हुई है एंड ये जो रिकमेंडेशंस वाला वीडियो मैंने किया है इससे अगर आप कुछ परचेज करते हैं देन डू कमेंट बिलो एंड डू लेट मी नो अबाउट इट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए नाइस डे, ब्लेस्ड डे, हैप्पी एंड बाई।